तो दोस्तों फाइनली पहुंच चुके हैं हम दावकी रिवर और हम कर रहे हैं बोटिंग रिवर। दावकी रिवर उमुवन, ये उमुमन रिवर बता रहे हैं, दावकी उमुमन रिवर है ना। तो भाई वो क्रिस्टल क्लियर वाटर किधर मिलेगा, उधर है, दिखाओगे ना वो भी। तो दोस्तों हम वही देखने जा रहे हैं, ये हमारे भैया है जो बोट चला रहे हैं, आया कर दो। तो भाई आपका क्या नाम है? डानो, भैया का डानो नाम है। तो भाई बोटिंग के प्राइस जो है आधे घंटे के हमें बता रहे थे, कितने आधे घंटे के कितने बताए थे? 700 रुपये और 45 मिनट के 1000, 1000 रुपये और 1200 रुपये बताए इन्होंने एक घंटे के, और आइलैंड पे भी छोड़ेंगे और बांग्लादेश के बॉर्डर तक लेके जाएंगे। ये बॉर्डर है 0.8। तो दोस्तों ये बांग्लादेश है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये इधर, ये बांग्लादेश है, पीपल जो है ये बांग्लादेशी है, टूरिस्ट बांग्लादेशी है। अच्छा अच्छा सो दोस्तों वो हमें कुछ कह रहे हैं, क्या करने के लिए कह रहे हैं? अच्छा फोटो, वहाँ फोटो ले लें। सो दोस्तों मज़ेदार जगह है ये, देखिए वहाँ सामने हमारी गाड़ी खड़ी है, उधर उधर वो देखिए दिख भी रही है भाई, दिख भी रही है उधर, वहाँ पर हमारी गाड़ी भी दिख रही है। ये क्रिस्टल क्लियर है, थोड़ा थोड़ा आगे है ना क्रिस्टल क्लियर, मतलब जो बिल्कुल साफ दिखाई दे। अभी दोस्तों आप पानी देख सकते हैं, ऐसा कुछ खास नज़र नहीं आ रहा, उधर से आ रहे थे तो हमें नीला नज़र आ रहा था, इधर से आते आते मतलब हाँ ठीक है हमें दिखाई दे रहा, पर कैमरे में साफ नहीं नज़र आएगा, या आ रहा है। ये देखिए बड़े बड़े पत्थर नज़र आ रहे होंगे पानी में। तो दोस्तों हम इंजॉय लेते हैं, आप भी लीजिएगा, आइएगा ज़रूर एक बार, विजिट कीजिएगा यहाँ पे। भाई आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर ये ब्रिज है, सर गाड़ियाँ चल रही हैं, ये उधर जाने का ब्रिज है, ये आगे जाके बॉर्डर पे टच हो जाता है बांग्लादेश की साइड में, ये देखिए ये बांग्लादेश ही निकलता है ना, ये नहीं जाता, ये जाता है बांग्लादेश, ये रास्ता इधर बांग्लादेश जाता है ना, ये 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर रहता है। देखिए दोस्तों नज़ारे लीजिए, वो पानी किधर मिलेगा क्रिस्टल क्लियर वाटर वाला? ऊपर है, अभी और थोड़ा सा दूर है, दिखाएंगे आपको। तो फाइनली दोस्तों हम पहुँच चुके हैं क्रिस्टल क्लियर वाटर के पास में, ये आप देख सकते हैं कितना साफ पानी है, बिल्कुल साफ भाई, ये नहीं देखा ना तो कुछ भी नहीं देखा, मैं भी यही चीज़ कह रहा हूँ भाई, आओ खुद से देखो भाई कितना पानी होगा, कितनी गहराई में होगी, है बस 3 फुट है पानी, 3 फीट से ऊपर ही नाव चल रही है, बड़े बड़े पत्थर है भाई इसमें नाव नदी में, गोल गोल दिखाई भी दे रहे होंगे आपको। अभी यहीं रुकेंगे हम, आगे आगे ऊपर रुकेंगे ना, हम ऊपर जाके रुकेंगे और वहाँ का व्यू दिखाते हैं आपको चल के कैसा है कैसा नहीं है। भाई अपने हर चीज़ का अलग ही मज़ा है अपनी जगह, ठीक है दोस्तों, हर चीज़ अलग अलग क्या कहते हैं ना एक तरीके का रिएक्शन देती है। अब हम यहाँ आए हैं हमें अलग तरीके का अनुभव हो रहा है, हम दूसरी जगह जाएंगे हमें अलग तरीके का अनुभव हो रहा है, हर चीज़ का अलग अलग अनुभव है अपना,
रिएक्शन बहुत ज़्यादा नज़ारा है दोस्तों, आप बड़े बड़े पहाड़ देख सकते हैं इनके बीच में, इधर भी पहाड़ है और ये इधर भी, भाई दोनों तरफ पहाड़ हैं और भाई बहुत अच्छा नज़ारा है, आपको आगे चल के दिखाते हैं। ये देख सकते हैं आप कितना क्रिस्टल क्लियर वाटर है और मैं बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे दोस्तों। इधर की हमारी राइट साइड में जो है हम जाते हुए जयंती हिल्स हैं और ये लेफ्ट साइड में खासी हिल्स हैं, वही देख सकते हैं। हाँ का सिटी और खासी हिल्स, हाँ शिलोंग। अच्छा सुन ली होगी आपने भाई की बात, यार कॉलेज की बात बता रहा भाई। दोस्तों ये आइलैंड है, यहाँ पे हम थोड़ी देर रुकेंगे अभी। ये देखिए आप देख सकते हैं, मज़ेदार जगह है वो। तो दोस्तों देखिए नदी का बहाव देखिए यहाँ से कितना तेज है और यहाँ आगे जाते जाते बिल्कुल शांत हो जाती है। दोस्तों पहले देख सकते हैं आप कितने ज़ोरों शोरों पे यहाँ का बहाव है और यहाँ पर आप हर चीज़ का मज़ा उठा सकते हैं, यहाँ पर बियर वगैरह सब कुछ मिलता है सिर्फ और सिर्फ इस आइलैंड पे, यहाँ सारी चीज़ अवेलेबल है। ये देखिए आप देख सकते हैं दुकान वगैरह स्टॉल वगैरह लगा के बैठे हैं, मेरे पास सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं भाई। शौकी आदमी आते हैं यहाँ पे जो अपने शौक पूरे करते हैं कि हमें वहाँ बैठ के पीनी है, बेवड़ों का त्यौहार वहाँ मनाना भाई। मज़ेदार जगह है दोस्तों, एक बार खुद से आके ज़रूर विजिट कीजिएगा भाई। मैं तो अपना अनुभव बता रहा हूँ भाई, मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया और आप लोग खुद ही देख लो यार, जन्नत है क्या है इधर। देखो यहाँ देखो कितनी शांति है और नदी की आवाज़ देखो, मैंने लगा रखी कान में और मेरे को साफ सुनाई दे रही है और बहुत तेज़ सुन रही है भाई। मैं ज़्यादा आगे नहीं जाऊँगा क्योंकि मुझे फिर वापसी भी जाना पड़ेगा उधर बोट के पास में, देख सकते हैं आप यहाँ पर कितने बड़े बड़े पत्थर हैं भाई। मज़ेदार जगह यार, ऐसे लग रहा है जैसे बहुत सारे उल्का पिंड गिर गए हैं वहाँ पे, बहुत अच्छी जगह दोस्तों, मज़ा आ रहा है बहुत देखने में। तो हम इंजॉय लेते हैं और फिर चलते हैं अपनी गाड़ी की तरफ, आगे बढ़ेंगे क्योंकि दोस्तों उससे आगे हमें गुवाहाटी जाना है आज ही। तो मिलते हैं आगे, जब आप चाहोगे हमारी वीडियो को प्यार दोगे तो हम आगे भी आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। दोस्तों चौधरी व्लॉग्स टीवी के नाम से मेरा चैनल है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए मेरे दोस्तों। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा भाई, बहुत मेहनत की है मैंने आपके लिए, देखो इतनी दूर तक मैं आया हूँ ये बताने के लिए कि भाई ये जगह कैसी है, अब भी ये चीज़ ना मिली मुझे तो फिर क्या फ़ायदा, समझ रहे हो ना। आप सब लोगों का प्यार चाहिए दोस्तों और ऐसी ऐसी चीज़ें लाता रहूँगा मैं आपके लिए, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं, धन्यवाद।